मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को भिड़ंत हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद हंगामा मचा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच भी धक्का मुक्की हुई। भोपाल में सुबह से ही जिला पंचायत कार्यालय के बाहर हंगामा चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। दरअसल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया। इसकी जैसे ही भनक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिली, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गए और खूब हंगामा किया। स्थिति उस समय और विस्फोटक हो गई जब शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह और हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा चुनाव के लिए सदस्यों को लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस नेता गाड़ी के सामने खड़े हो गए और मंत्री की गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक लिया। हालांकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को चकमा दिया और वो अंदर घुस गए। इसे लेकर कांग्रेसियों ने खूब देर तक हंगामा किया। रामेश्वर शर्मा को बाहर निकालने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों से दिग्विजय सिंह भिड़ गए। खूब धक्का मुक्की हुई और ठीक इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने पुलिस अफसर का कॉलर पकड़ लिया, जिसे लेकर अब हंगामा बरप रहा है। इसी बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा एक महिला सदस्य को जिला पंचायत दफ्तर के अंदर ले गए। उस दौरान उन्होंने अपना मुंह ढक कर रखा था। इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, कहा ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। काफी देर तक हंगामा जारी रहा और इसी हंगामे के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूरा किया गया। आखिरकार नतीजे सामने आने के बाद हंगामा शांत हुआ और बीजेपी ने भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के रामकुंवर गुर्जर ने कांग्रेस की रश्मि भार्गव को हराकर भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन इस दौरान वहां जो हंगामा बरपा और वहां जो कुछ हुआ, जिसमें दिग्विजय सिंह ने एक पुलिस अफसर का कॉलर पकड़ लिया, उसके साथ धक्का मुक्की की, वो खबर बन गई। शिवराज सिंह चौहान को जब इस मामले की खबर पड़ी तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का ऐसा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस वाले का कॉलर पकड़ना बदतमीजी है और उन्होंने पुलिस वाले से बदतमीजी की। एक पूर्व मुख्यमंत्री को जो 10 साल तक कुर्सी पर काबिज रहा हो, इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। सुनिए क्या बोले शिवराज सिंह चौहान। व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट क्या पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे? यहां पर अधिकार किसने दिया? यह अशोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। खैर, दिग्विजय सिंह के इस कृत्य की खूब आलोचना हो रही है। बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह पर किसी तरह की कोई एक्शन की खबर सामने नहीं आई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।